नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादातर 4 या 5 नंबर के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए अगर जिसको मैं जोड़ता हूँ जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि जो माना मेरे पास पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर एक चर की बात हुई है, तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का यूज हम इसके क्वेश्चन के अनुसार ही करेंगे, लेकिन ज्यादातर आप एक चर का ही यूज करें। तो यहाँ पर लिखा मैंने पहली संख्या एक्स लेकर चला मैं, और माना दूसरी संख्या आप देखें कि इसके अंदर योग 27 है, ठीक है। तो मेरे पास दूसरी संख्या होगी 27 माइनस में एक्स। अब वो कैसे, तो आप उदाहरण देखें कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, अगर उन दो संख्याओं को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 10। यानी उन दोनों संख्याओं का योग 10 है। अगर पहली संख्या में मेरे पास 4 है, तो मेरे पास दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी जो टोटल टोटल जोड़ दिया गया है उसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ पहली संख्या, तो मुझे क्या मिलेगी, दूसरी संख्या अपने आप मिलेगी, ठीक है। यानी जो टोटल है उसमें से माइनस करूंगा पहली संख्या। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया, टोटल आपके पास 27, उसमें से माइनस किया मैंने पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है मेरे पास, 27 माइनस एक्स, ठीक है। और इनका गुणनफल 182 है। यानी कि अगर एक्स की गुणा मैं 27 माइनस एक्स के साथ करता हूँ तो मुझे 182 मिलेगा, ठीक है। तो इनकी गुणा करेंगे, उसके बाद द्विघात समीकरण, उस फिर एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको मिला है 27x माइनस एक्स की पावर आपके पास 2 बराबर में 182 होगा, ठीक है। तो शुरुआत में आपको पता है एक्स की पावर 2 रखते हैं, तो माइनस एक्स की पावर 2, 27x यहाँ पर प्लस का होगा 27x, इसको इस तरफ लेके आएंगे 182 को, तो माइनस का 182 इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण 0 के बराबर होता है। तो अब क्या करना है आपको, जो एक्स की 2 है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, इन सभी के सिंबल आप चेंज कर दें। तो इसके सिंबल चेंज करेंगे, एक्स की पावर 2 होगा, प्लस है तो माइनस करेंगे 27x, और यहाँ पर प्लस का 182 बराबर में 0, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन सभी का सिंबल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिया है एक द्विघात समीकरण, और आपको पता लगाना कि दो संख्या है जिनका जोड़ -27 और गुणा 182 आपको पता लगाना है, ठीक है। तो वह दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वे दो संख्या होंगी 14 और 13। यानी 14 और 13 की गुणा करूंगा तो मुझे 182 मिलेगा, अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, दोनों को घटाता हूँ, तो मुझे माइनस का 27 मिलेगा। तो आपके पास दो चीज है, 14 और 13। अब आप माइनस का 27 कैसे लेकर आएंगे, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तब, ठीक है। अगर एक प्लस एक माइनस है तो फिर वो एक या फिर माइनस एक मिलेगा, तो दोनों क्या करेंगे माइनस के, तो -14 -13 -27, माइनस माइनस प्लस, और 14 13 182। तो पहला पद और अचर भाग आप वैसे का वैसा रखें, और इनको क्या करना है, चर के साथ लिखना है माइनस का 13x। तो आपको वही दो ग्रुप मिले हैं, पहला ग्रुप में से आपको मैं निकाले x, तो आपको यहाँ पर मिलेगा x -14, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि जो पहले ग्रुप में x है, पहले जो ब्रैकेट के अंदर x है वो क्या है, अकेला है, लेकिन जो दूसरे ग्रुप वाला x है उसके साथ क्या है, माइनस का 13। तो इस माइनस का 13 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही बाहर निकाला आपको अकेला एक्स मिलेगा, सिंबल चेंज होगा, और आपको 13 से अगर मैं 182 को भाग दूंगा तो मुझे 14 मिलेगा इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट सेम, तो आप कॉमन निकालें, एक्स माइनस 14 कॉमन निकाला, तो आपके पास एक्स माइनस 13 मिलेगा बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक्स माइनस 14 को 0 के बराबर, तो एक्स का मान क्या मिला, प्लस का 14। अगर x माइनस 13 को 0 के बराबर रखा तो x का मान मिला प्लस का 13। तो आपको x के मान 2 मिले हैं, 14 या 13। अगर यहाँ पर मैंने x का मान 14 रखा तो यहाँ पर 27 माइनस 14 यानी कि 13 मिलेगा। अगर यहाँ पर मैंने x का मान 13 रखा तो 27 माइनस 13 यानी कि मुझे 14 मिलेगा। आप कोई भी एक मान रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों संख्याएं पता लगा ली।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। यहाँ पर दिया है दो क्रमागत गणात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपने 4.1 के अंदर भी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन बनता है कि दो क्रमागत संख्या दी है, तो पहली संख्या मैं लिखूंगा यहाँ पर, पहली संख्या क्या होगी, एक्स मानकर चलेंगे, और जो दूसरी संख्या होगी वो इसके क्रमागत होगी। यानी अगर जो मैंने 10 लिया तो उससे अगली 11, 12 है तो 13, 20 है तो उससे अगली 21, यानी कि जो भी संख्या आपने पहले ली है उसमें 1 ऐड करते हैं तो इसको क्रमागत संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या एक्स प्लस एक। तो अगर वर्गों का योग इसने बोला है तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गों का योग, यानी कि जो इन दोनों को वर्ग करेंगे और उन वर्गों को करने पर जोड़ेंगे तो आपको 365 के बराबर मिलेगा। देखें, यानी कि पहली संख्या का वर्ग कर दिया और उसके बाद दूसरी संख्या का भी वर्ग कर दिया, और पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग करने के बाद उन दोनों को जोड़ दिया तो मुझे 365 के इक्वल मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन देंगे एक्स की पावर 2 प्लस, यहाँ पर एक सर्वसमिका लगेगी, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी की पावर 2, ठीक है। यानी कि ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2 ए बी, ये वाले सर्वसमिका का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो एक्स की पावर 2 प्लस में b की पावर 2, यानी कि 1 प्लस में 2 गुणा में x गुणा में 1 बराबर 365, ठीक है। अब x की 2 मिला है आपको, प्लस 1 प्लस में 2x की गुणा करेंगे तो 2x बराबर में 365, ठीक है। अब 365 को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 365 माइनस का होगा और बराबर होगा 0 के। तो अब यहाँ पर देखें 2x की पावर 2 प्लस में 2x होगा, अब माइनस का 365 प्लस का 1 तो माइनस का 364 बराबर में 0 होगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे क्योंकि तीनों चीजें क्या है, तीनों संख्या 2 से भाग हुई है, तो 2 से भाग देने पर यहाँ पर देखें 2 से यहाँ पर भी 2, 2 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 को इससे भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दुणी 4, यानी कि आपको मिला है 2x की पावर 2 प्लस x माइनस का 182 बराबर में 0, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको दिया गया है x की पावर 2 प्लस x माइनस 182, तो गुणा आनी चाहिए आपके पास 182, और उनको जोड़ू या घटाऊं मुझे मिलना चाहिए 1। तो ऐसी संख्या क्या है जो हमने पहले क्वेश्चन में सोची थी, 14 और 13, गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, 182। और अब बीच में देखें, बीच में प्लस है तो बड़ा प्लस लेंगे और छोटा माइनस लेंगे, तो आपको 14 में से 13 माइनस गया प्लस का 1, तो चर के साथ लिखेंगे तो पहला पद और आखिरी पद अचर भाग वैसे का वैसा, बीच वाले जो संख्या उसको लिखेंगे माइनस प्लस का 14x माइनस का 13x, ठीक है। तो अब क्या करना, आपको इनमें से कॉमन निकालेंगे, एक्स कॉमन निकला तो यहाँ पर एक्स प्लस का क्या मिला, 14 मिलेगा। अब ये जो एक्स है क्या है, प्लस का एक्स दिया गया है, अकेला एक्स है, तो दूसरे ग्रुप में जो एक्स वो अकेला कैसे होगा, जब माइनस का 13 बाहर निकलेगा, तो माइनस का 13 बाहर निकला तो एक्स माइनस तो बाहर है तो यहाँ पर प्लस होगा, और 13 को 182 से भाग देंगे तो 14 बराबर 0, कॉमन क्या निकलेगा, एक्स प्लस 14 कॉमन निकलेगा, और एक्स माइनस का 13 क्या होगा, इक्वल टू 0। एक्स का मान प्लस 14 0 के बराबर, तो एक्स का मान आपको मिला माइनस का 14, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स का मान क्या मिला आपको, प्लस का 13, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स का मान माइनस 14 और एक्स का मान प्लस का 13 मिला है, तो हम माइनस में कोई संख्या नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स का मान 13 लेकर चलेंगे, तो पहली संख्या क्या होगी 13, और दूसरी संख्या क्या है, 13 प्लस 1 बराबर में 14, ठीक है। तो ये क्रमागत है 13 और उसके बाद 14 संख्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।